जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा टीए भर्ती 2023 के बारे में। जितने भी उम्मीदवार हैं दोस्तों, टीए भर्ती का वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन दोस्तों टीए की भर्ती अभी क्या है, कोई भी न्यूज, कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है। ये जो भर्ती है दोस्तों, अभी आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा या फिर गूगल पे कहीं देखा होगा, जो ये टीए भर्ती है अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और देहरादून में आयोजित की जा रही है सितंबर और अक्टूबर महीने में। लेकिन दोस्तों, ये जो भर्ती है ये सिर्फ क्या है, एक्स सर्विसमैन है ना, यानी कि भारतीय सेना से जो रिटायर सैनिक है उनके लिए भर्ती है ये सिर्फ, ठीक है ना। और कोई अन्य उम्मीदवार क्या है, इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकता। एक्स सर्विसमैन सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए, ठीक है ना। अदर स्टेट के जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस भर्ती को नहीं देख सकते, ठीक है। तो दोस्तों, 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमाऊं, ठीक है, और 127 टीए बटालियन गढ़वाल जो है, इसकी भर्ती आयोजित की जा रही है, ठीक है ना। 130 इन्फेंट्री बटालियन जो है उसकी भर्ती है 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, कहाँ पे होगी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। और 127 जो टीए बटालियन है इसकी कहाँ पे होगी, उत्तराखंड के देहरादून में भर्ती होगी। ये कब होगी, अक्टूबर महीने में, ठीक है। तो दोस्तों, किस किस पोस्टों के लिए आवेदन है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो मेरे भाई हैं एक्स सर्विसमैन हैं और जो क्या इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ साथियों। जेसीओ जीडी, ठीक है ना, जेसीओ जीडी जूनियर कमीशन ऑफिसर जनरल ड्यूटी के लिए है 2 पोस्ट। सोल्जर जीडी के लिए है 180 पोस्ट। सोल्जर क्लर्क के लिए है 1 पोस्ट। सोल्जर कुक के लिए है 6 पोस्ट। सोल्जर कारपेंटर के लिए है 2 पोस्ट। सोल्जर हाउसकीपर के लिए 1 पोस्ट और सोल्जर वाशरमैन के लिए है 2 पोस्ट, ठीक है। जो भी मेरे भाई हैं एक्स सर्विसमैन है और इन पदों के लिए क्या है अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो इसका पीडीएफ है, ऑफिशियल जो नोटिस है वो क्या है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है ना। मैं आपको क्या है व्हाट्सअप पे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सेंड कर दूंगा। जो 130 टीए बटालियन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या है, मैं आपको व्हाट्सअप पे डाल दूंगा। 127 का क्या है, अभी न्यूज़पेपर में आया है, उसका ऑफिशियल लेटर अभी नहीं आया है, ठीक है ना। तो जितने भी उम्मीदवार हैं टीए बटालियन के दोस्तों, इसमें एक चीज और है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ओनली फॉर उत्तराखंड के एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा दोस्तों महिला कर्मचारी जो कि पर्यावरण और वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि उन्होंने जल्दी सेवानिवृत्त ले ली है, यानी कि जल्दी रिटायर हो गए हैं, 20 साल करके क्या है उन्होंने पर्यावरण और वन विभाग में 20 साल अपनी सर्विस किए महिला कर्मचारी, वो भी क्या है इस पोस्टों के लिए, इन पदों के लिए क्या है आवेदन कर सकती है, ठीक है। तो साथियों, जितने भी अभी युवा हैं, जितने भी लड़के हैं टीए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों इस भर्ती का अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा जो ये भर्ती हो रही है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रही है, एक्स सर्विसमैन के लिए हो रही है, ठीक है ना। जो पहले भर्ती होती थी जिसमें क्या है सिविल लड़के, सिविल जो उम्मीदवार थे उनको लिया जाता था, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई भी अभी तक क्या है नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसके बारे में टीए भर्ती के बारे में कोई जानकारी आएगी तो मैं पक्का आपको क्या है वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पक्का इन्फॉर्म करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि जितने भी मेरे भाई उम्मीदवार हैं उत्तराखंड के अदर स्टेट के, चाहे वो सिविल कैंडिडेट हैं चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, कहीं क्या है आप अपना वक्त और पैसा खर्च करके भर्ती स्थल पर ना पहुंच जाएं, और फिर वहां पे अगर आप पहुंचेंगे तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा, क्योंकि ये भर्ती किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्या है उत्तराखंड के एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है ना। तो कोई भी उम्मीदवार है दोस्तों भर्ती स्थल पर ना पहुंचे, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको टीए भर्ती 2023 जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और गढ़ी कैंट देहरादून में होनी है उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। और साथियों, बने रहे चैनल के साथ, भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।